हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे और यहाँ पे क्या गलती हो गई है, गुड्स रिटर्न ऑफ ₹500 बाय मोहन। मोहन ने रिटर्न किया है, बाय लिखा हुआ है ना, ठीक है, और बाय और टू में ही इसमें आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। गुड्स रिटर्न ऑफ ₹2 मोहन होगा तो से परचेज रिटर्न होगा, और बाय मोहन का मतलब ये है कि हमारा जो बिजनेस है हमने सेल की, सेल की किसको, मोहन को, ठीक है। तो अब वो इसको रिटर्न कर रहे हैं तो इसी को तो हम बोलेंगे गुड्स रिटर्न बाय मोहन, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न बाय मोहन है क्या, ये तो सेल्स रिटर्न है, ठीक है। ये क्या है आपकी, सेल्स रिटर्न, और वाज एंटर्ड इन दी परचेज रिटर्न बुक। आपने इसको परचेज रिटर्न बुक में एंटर कर लिया है, इसका मतलब क्या है, आपने इसको परचेज रिटर्न की तरह ट्रीट कर दिया है। तो यहाँ पे एक सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी और एक गलत एंट्री क्या हो गई है, ये हम बनाएंगे और फिर देखेंगे हम रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी। अब मोहन ने गुड्स रिटर्न किए हैं हमें, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक है। तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी ₹500 से, तो ये सही एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन आपने इसको परचेज रिटर्न बुक में लिख लिया है, यानी कि परचेज रिटर्न मान लिया है गलती से, और परचेज रिटर्न बुक की चीजें परचेज रिटर्न अकाउंट में जाती हैं, तो गलती से एक तरीके से क्या एंट्री हो गई है आपसे, मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट ₹500, ठीक है। तो आपने गलत गलत एंट्री ये कर दी है परचेज रिटर्न की तरह, और जबकि सेल्स रिटर्न की एंट्री होनी चाहिए। तो अब आप देखो एक एक आप अकाउंट चेक करो तो आपको पता जाएगा कि सर रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, और गलत एंट्री में सेल्स रिटर्न डेबिट नहीं हुआ है। तो पहले आप क्या करोगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट करोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, ₹500 से। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट की गलती करेक्ट हो गई। अब मोहन क्रेडिट होना चाहिए था 500 से, लेकिन मोहन डेबिट हो गया 500 से, तो कोई क्रेडिट होना चाहिए था और कोई डेबिट हो गया है उसकी जगह, उल्टा हो गया है, तो डबल अमाउंट से उसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, टू मोहन, तो मोहन 500 से क्रेडिट होना चाहिए था, मोहन डेबिट हो गया है, तो जब जो क्रेडिट होना चाहिए था उसको गलती से डेबिट कर देते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं ऐसी एंट्री को डबल अमाउंट से करते हैं। तो मोहन यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा 1,000 से, ठीक है। यानी कि आपको किसी को ₹500 देने हैं और गलती से क्या किया, उससे आपने ₹500 ले लिए, तो अब क्या करोगे, बैलेंस कैसे करोगे, ₹1,000 से दोगे तभी तो बैलेंस होगा, ठीक है। तो यानी कि कोई भी चीज जब क्रेडिट होनी चाहिए और गलती से डेबिट हो गई है, उल्टा हो गया है, तो उसको डबल अमाउंट से हम ट्रीट करते हैं, इसीलिए हमने मोहन को यहाँ क्रेडिट किया है 1,000 से, ना कि 500 से। तो देखो मोहन के अकाउंट की एरर भी सॉल्व हो गई है। अब देखो यहाँ गलत एंट्री में क्या है, परचेज रिटर्न अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है, अब क्यों कर दिया, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, यहाँ तो सेल्स रिटर्न की बात थी, ठीक है। तो जब किसी अकाउंट को गलत क्रेडिट कर दिया है तो आप उसको डेबिट कर दोगे और वो एरर रेक्टिफाई हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 500। तो ये देखो परचेज रिटर्न की भी एरर मैंने रेक्टिफाई कर ली, तो अब एंट्री बन गई ये सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन, और इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग सेल्स रिटर्न्स ट्रीटेड एज परचेज रिटर्न्स
नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। तो अब हमने इसको रेक्टिफाई कर लिया है, और ये जो रेक्टिफिकेशन एंट्री है इसकी जब पोस्टिंग होगी तो जो गलती हुई थी वो करेक्ट हो जाएगी। और इसका जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज। और इसमें नंबरिंग डाल दोगे जो भी क्वेश्चन में दी हुई है। डेट तो होती नहीं है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस एरर को रेक्टिफाई करेंगे। अच्छा, ये किस तरह की एरर है, एक चीज और देखो, ये किस तरह की एरर है, गलत अकाउंट में आपने डाल दी है। तो जब गलत अकाउंट में डाल देते हैं तो ऑफ कोर्स ये तो क्लेरिकल एरर है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। यानी कि कोई चीज करना भूल जाते हो, आधी भूल गए या पूरी भूल गए, वो तो एरर ऑफ ओमिशन होती है। लेकिन कोई आपने गलत कर दिया, गलत अकाउंट में डाल दिया, तो जब गलत अकाउंट में डाल दी कोई चीज तो वो वाली एरर कौन सी होती है, एरर ऑफ कमीशन। सो इस तरीके से इस रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी, एंड दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।